इनपुट आउटपुट यूनिट के पार्ट 6 के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के वीडियोस को देखा था। आज हम पार्ट 6 के वीडियोस को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज का टॉपिक्स है प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। ए प्रोजेक्टर और ए इमेज प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस डैट प्रोजेक्ट एन इमेजेस और मूविंग इमेजेस ऑन टू ए सरफेस। एक प्रोजेक्टर या छवि प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल उपकरण है जो एक सतह पर एक छवि या चलती छवियों को प्रोजेक्ट करता है। देखिए, हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्टर्स को देखा होगा। प्रोजेक्टर का उपयोग सिनेमा गृह में, सिनेमा हॉल में, एजुकेशन पर्पस से पढ़ाने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस से, या और भी जगहों पर होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक प्रोजेक्टर के बारे में कि प्रोजेक्टर कैसा होता है, किस तरह से काम करता है। देखिए, ये एक टाइपिकल प्रोजेक्टर है जिसके सामने में एक लेंस लगा हुआ है। इसके अंदर प्रोजेक्टर का मदरबोर्ड होता है और प्रोजेक्टर हमारा इस तरह का दिखता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टर्स के टाइप्स को। तो प्रोजेक्टर्स के पहले टाइप्स में ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, हैंडहेल्ड प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर और डीएलपी। डीएलपी प्रोजेक्टर का मतलब होता है डे लाइट प्रोजेक्टर। इतने तरह के प्रोजेक्टर्स होते हैं। ये प्रोजेक्टर्स के कैटेगरीज में आए, तो इन कैटेगरीज के प्रोजेक्टर्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे ये प्रोजेक्टर कार्य करते हैं, किस किस तरह के होते हैं। देखिए, ये एक ओवरहेड टाइप का प्रोजेक्टर होता है। ओवरहेड टाइप के प्रोजेक्टर के सबसे ऊपर मिरर लगा हुआ होता है। ये हमारा एक मिरर लगा होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक फ्रिजनल लेंस होता है। इसके बीच में यानी कि मध्य में यहाँ पर एक LCD स्क्रीन होता है और नीचे से लाइट प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक लाइट यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, बीच में एक LCD स्क्रीन है। LCD स्क्रीन ट्रांसपेरेंट होता है दोनों तरफ से, और ये लाइट यहाँ पर फ्रिजनल लेंस पर पड़ता है। यहाँ पर फ्रिजनल लेंस पर पड़ने के बाद ये इस मिरर को जाता है और यहाँ पर ये इस तरह से प्रोजेक्ट होता है। इस तरह के प्रोजेक्टर्स का प्रयोग पहले हुआ करता था, यानी कि ये एक पुराने ज़माने का प्रोजेक्टर है। आज भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग होता है, लेकिन अब इसका उपयोग होना थोड़ा बंद हो गया है, क्योंकि ये काफ़ी बल्कि होता है, वजन में काफ़ी ज़्यादा होता है और पोर्टेबल नहीं होता है। इस वजह से हम लोग इसका उपयोग इन दिनों नहीं कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टर्स के अगले तरह के किस तरह का होता है और कैसे काम करता है प्रोजेक्टर आपका। यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्टर है हमारा, जिसे हम DLP प्रोजेक्टर बोलते हैं। DLP प्रोजेक्टर से पहले हम लोग LCD प्रोजेक्टर को देख लेते हैं। देखिए, बेसिकली प्रोजेक्टर्स के तो बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन उसके कार्य करने का जो प्रकार होता है वो यहाँ पर एक LCD टाइप का होता है और एक DLP टाइप का होता है। LCD प्रोजेक्टर काफ़ी सिंपल प्रोजेक्टर होते हैं। इसे कोई भी घर में बना सकता है इस तरह के प्रोजेक्टर्स को। आप देखिए, एक बीच में LCD होता है। आप मोबाइल के LCD को या लैपटॉप्स के LCD को यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे एक बल्ब होता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं LCD प्रोजेक्टर काफ़ी सिंपल हैं। एक बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है। इस बल्ब से जो लाइट इमिट हो रहा है, जो लाइट निकल रहा है, वो LCD पर जा रहा है आपका। और LCD पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक लेंस यहाँ पर हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं इस जगह पर, और फिर ये लेंस के माध्यम से ये बाहर जा रहा है और स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो LCD प्रोजेक्टर काफ़ी सिंपल टाइप्स होते हैं प्रोजेक्टर्स के।
यहाँ पर एक हम देखते हैं डीएलपी प्रोजेक्टर। मैंने पहले ही बताया कि डीएलपी प्रोजेक्टर का मतलब होता है डे लाइट प्रोजेक्टर। इसका एक बहुत बड़ा खासियत ये होता है कि ऐसे प्रोजेक्टर दिन में भी कार्य करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्टर जो है वो अंधेरे में कार्य करते हैं, लेकिन डीएलपी प्रोजेक्टर जो है वो दिन के उजाले में भी यानी कि सूरज की रोशनी में भी ये कार्य करता है। या अगर रूम में अंधेरा नहीं भी है फिर भी हम लोग डीएलपी प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। इसके कार्य करने के सिद्धांत को देखते हैं। बिल्कुल अलग सिद्धांत है एलसीडी प्रोजेक्टर की तुलना में। सबसे पीछे एक लैम्प होता है या बल्ब होता है, काफ़ी हाई पावर का बल्ब होता है ये वाला। एक कंडेंसिंग लेंस होता है और कलर फिल्टर्स होता है। हम लोग कलर फिल्टर्स को समझते हैं, कलर फिल्टर होता क्या है। देखिए बेसिकली तीन टाइप्स के कलर होते हैं कलर फिल्टर में, और ये रोटेट करते हैं। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पर रेड ग्रीन और ब्लू का उपयोग किया गया है, इसे प्राइमरी कलर भी हम लोग बोलते हैं। तो ये यहाँ पर अंदर में घूमते हैं और घूमने के बाद एक कलर फिल्टर तैयार करते हैं जिससे यहाँ पर पिक्सल तैयार होता है यानी कि इमेज तैयार होता है, और फिर से इसे एक लेंस से गुजारा जाता है, और यहाँ पर एक फाइनली एक और लेंस होता है आपका, और ये इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो डीएलपी प्रोजेक्टर पहले मैंने बताया कि दिन के उजाले में या फिर सूर्य के प्रकाश में भी ये प्रोजेक्टर कार्य करता है। तो ये था हमारा यहाँ पर प्रोजेक्टर, और हमने इसके टाइप्स को भी देखा। इसके डायग्राम्स को आप बना सकते हैं कि प्रोजेक्टर किस तरह से कार्य करता है। तो दो तरह के डायग्राम्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एक एलसीडी प्रोजेक्टर के डायग्राम्स को और एक डीएलपी प्रोजेक्टर के डायग्राम को। ठीक है, तो जिन्होंने पिछले वीडियोस को नहीं देखा यानी कि पार्ट वन पार्ट टू से लेकर पार्ट फाइव तक के वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियोस के लिंक को मैं अभी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसे भी देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और इनपुट आउटपुट यूनिट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि इनपुट यूनिट भी होते हैं और आउटपुट यूनिट भी होते हैं, तो उसके डिस्कशन को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो कि इनपुट यूनिट भी हैं और आउटपुट यूनिट भी हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। एक डिवाइस जिसे मॉडम कहते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि इनपुट आउटपुट यूनिट्स में जो डिवाइस आते हैं मॉडम कैसे होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए इसे मॉडम बोलते हैं, ये मॉडम कहलाता है आपका। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी एक मॉडम है, यहाँ भी एक मॉडम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पर मॉडम है, ठीक है। कुछ मॉडम्स ओल्ड हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कुछ ओल्ड टाइप्स के मॉडम हैं, ये ओल्ड टाइप्स के मॉडम हैं, ये न्यू जनरेशन के मॉडम्स हैं। तो अलग अलग तरह के मॉडम होते हैं। हम लोग जानकारी लेते हैं कि मॉडम होता क्या है, मॉडम किस तरह से कार्य करता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी कि मॉडम क्या होता है और मॉडम किस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मॉडम्स का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसको समझते हैं कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता क्या है, ये किस तरह से ये कार्य करता है। देखिए यहाँ पर इसी का हिंदी रूपांतरण यहाँ पर है हमारे पास। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर या मॉडम एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डिजिटल प्रारूप से डेटा को टेलीफोन या रेडियो जैसे एनालॉग ट्रांसमिशन माध्यम के उपयुक्त प्रारूप में परिवर्तन करता है। आप यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से ये कार्य करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक मॉडम है, तो मॉडम का जो बेसिक कार्य होता है वो एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदलना और डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलना। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, घर में आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक मॉडम होता है, इसे इंटरनल मॉडम हम कहते हैं। इसी तरह से एक्सटर्नल मॉडम
अलग अलग कंपनी का, एयरटेल का, जियो का और भी बहुत सारी कंपनियों का पाया जाता है। तो इसका जो बेसिक काम होता है वो किसी टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं, या तो वायरलेस होते हैं या वायर के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन किसी टेलीफोन लाइन से वो जुड़े हुए होते हैं। और इसका जो बेसिक कार्य होता है वो कंप्यूटर्स को या फिर आपके मोबाइल्स को डिजिटल डेटा देना होता है। तो एक तरफ ये एनालॉग डाटा रिसीव करता है, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में, फिर हमसे डिजिटल डेटा लेता है और उसे एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब है कि मॉडेम एक बीच की भूमिका को निभाता है, जिसके अंदर वो डाटा को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, यानी कि डिजिटल से एनालॉग में बदलता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। और मॉडम जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही तरह के कार्य को करता है, इसीलिए इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो इसे आप यहाँ पर नोट कर लें, इसका मैंने एक नोट्स हिंदी में दिया हुआ है और एक इंग्लिश में भी इसका नोट है, तो दोनों ही भाषा में यहाँ पर नोट दिया हुआ है मॉडम का, आपको जो उपयुक्त लगे आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इस इंग्लिश में इसके बारे में बताया गया है। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि मॉडम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है, मॉडम इज ए इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग देखते हैं फैक्स को। जिस तरह से हमने मॉडम को देखा तो मॉडम एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य कर रहा था, इसी तरह से फैक्स भी इनपुट और आउटपुट टाइप्स के डिवाइस होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फैक्स किसे कहते हैं या फैक्स किस तरह का होता है, उसके बाद इसके बारे में हम लोग एक डिफिनेशन देखेंगे और इसे कार्यप्रणाली को हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं ये एक फैक्स मशीन है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक टेलीफोन के तरह का बटन है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं टेलीफोन्स के तरह का बटन है, साइड में रिसीवर रखा हुआ है और कुछ पेज यहाँ पर है। तो ये तो ना प्रिंटर हो सकता है, क्योंकि प्रिंटर में तो इस तरह का टेलीफोन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आखिर ये किस तरह का डिवाइस है? तो हम लोग इसे फैक्स बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फैक्सीमाइल मशीन, जैसे हम फैक्सीमाइल भी कहते हैं। होता क्या है, किस तरह से कार्य करता है? दिखने में तो इस तरह का है हमारा, लेकिन कैसे कार्य करता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसे हम देखते हैं ग्लैंस में कि कैसे ये काम करता है। आप यहाँ पर देखिएगा फैक्स शॉर्ट फॉर द फैक्सीमाइल मशीन, फैक्स एक शॉर्टकट है, शॉर्ट वर्ड है, फुल फॉर्म इसका फैक्सीमाइल होता है, समटाइम कॉल्ड टेलीकॉपिंग, इसे टेलीकॉपिंग भी कहा जाता है, टेलीफैक्स भी कहा जाता है। होता क्या है इसके द्वारा? देखिए पहले यानी कि पहले के ज़माने में, ओल्ड ज़माने में, अगर हम 90 के दशक की बात करें, 95 के दशक की बात करें, तो उस समय इंटरनेट की अवेबिलिटी काफ़ी कम थी और हम लोग जो मेल वगैरह आज के डेट में या व्हाट्सएप का प्रयोग कर लेते हैं किसी तस्वीर को भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए, उस समय ऐसा व्यवस्था था लेकिन बहुत लिमिट था, क्योंकि इंटरनेट ही लिमिट था उस समय। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता था तो हम लोग उसके लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग करते थे। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि एक यहाँ पर इमेज है जिसको स्कैन किया जा रहा है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे एक नंबर डायल किया जाएगा इस जगह पर, और नंबर डायल करने के बाद इसे दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा। यानी कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर एक नंबर डायल किया जाएगा और इसके बाद इसको दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा। तो ये होता था टेलीफोन लाइन के द्वारा और हम लोग उपयोग करते थे फैक्स सर्विसेज का। तो फैक्स में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को टेलीफोन के द्वारा स्कैन करके एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। जिसे ये नंबर भेजना होता था उसका फैक्स नंबर आपको मालूम होता था या फिर आपको मालूम करना पड़ता था। तो उस फैक्स मशीन पर एक रिंग बजता था और वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रिंट होने लगता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, फैक्सीमाइल फैक्स का ही संक्षिप्त रूप है,
जिसे कभी टेलीकॉपिंग या टेलीफैक्स भी कहते हैं। इसके द्वारा स्कैन की गई या मुद्रित सामग्रियों को टेलीफोन के माध्यम से या टेलीफोन ट्रांसमिशन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है। और उस समय कुछ टेलीफैक्स का नंबर भी होता था, जैसे +55, ठीक है, इस तरह का कुछ नंबर हुआ करता था, ठीक है, 8429, ऐसा कुछ नंबर हुआ करता था, इसे हम लोग फैक्स नंबर बोलते थे। आज भी आपको किसी जगहों पर या सरकारी इंस्टीट्यूशंस पर, बहुत जगहों पर फैक्स नंबर मिल सकता है। तो ये पुराना तरीका हुआ करता था। मैंने यहाँ पर नोट्स दे दिया है, आप इस नोट्स को देख लें। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि फैक्स इनपुट डिवाइसेस में भी आता है, आउटपुट डिवाइसेस में भी आता है, ठीक है। आज की क्लासेस के लिए हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे। पार्ट वन से पार्ट सिक्स तक के वीडियोस को हमने कवर किया। जिन लोगों ने पूरे वीडियोस को नहीं देखा इनपुट आउटपुट यूनिट्स के, वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर चैनल्स पे जाके आप इसको देख सकते हैं सारे वीडियोस को। और आज इनपुट आउटपुट यूनिट्स के टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीक्स किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।